तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम में अब बहुत कम समय बचा है, इसलिए हमने एक रिवीजन अभ्यास प्रश्न पत्र सीरीज शुरू की है, जिसमें सभी विषय प्लस करंट अफेयर्स सहित लगभग 1000 प्रश्नों को हम विभिन्न वीडियो में कवर करेंगे। प्रतिदिन आपके लिए शाम 8 बजे एक वीडियो मिलेगी, जिसमें 30 से 40 प्रश्न होंगे। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा, प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल होगा। तो प्रत्येक दिन अपनी तैयारी को जांचने के लिए और रिवीजन के लिए इस अभ्यास प्रश्न पत्र को अवश्य लगाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें मैंने सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स के प्रश्न लिए हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? ऑप्शन है सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। आपको शायद पता होगा, इसका सही आंसर है सम्राट अशोक। रिवीजन कर लीजिए, देवान प्रियदर्शी किसकी बात कर रहा है? जो देवताओं के प्रिय हैं, देवान प्रियदर्शी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही इस सीरीज में लिए गए हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के अकॉर्डिंग है बिल्कुल। दूसरा प्रश्न देखिए, किस वंश या शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि या गांव दान देने की प्रथा प्रारंभ की? भूमि या गांव दान देने की प्रथा किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को, किसको? ब्राह्मणों को, बौद्ध भिक्षुओं को, ये प्रथा किसने आरंभ की थी? ऑप्शन है सातवाहन वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, दो बातें ध्यान रखिए जो मुख्यतः पूछी जाती है, एक तो ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को गांव या भूमि दान में दी, और दूसरा इन्होंने शीशे की मुद्राएं चलाई। कौन सी मुद्राएं? शीशे की मुद्राएं चलाई, ठीक है, लेड। इसको बहुत ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिल्क रूट किसने आरंभ किया? ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, हर्ष, फायान। तो इसका जो सही आंसर है वो है कनिष्क। ध्यान रखिए, सिल्क रूट किसने प्रारंभ किया? कनिष्क ने। प्रश्न नंबर 4 देखिए, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? अच्छा प्रश्न है, कालिदास, बाणभट्ट, बाल्मीक है, सॉरी बाल्मीक कर लीजिए, व्यास। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाणभट्ट। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट। इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इसे। प्रश्न नंबर 5, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूरब का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? किसे का मतलब है यहाँ पर, प्लेस पूछ रहा है, किस जगह को कहा जाता था? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, जौनपुर, वाराणसी। इसका सही आंसर है जौनपुर। जौनपुर को पूरब का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है सितार, तबला, सरोद, बीणा। इसका जो सही आंसर है वो है बीणा, ठीक है। सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है वो है बीणा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। तो जो इसका सही आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। ये भारत का प्रथम वायसराय था, ठीक है, या अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि 1857 के बाद वायसराय पद हो गया था और जो गवर्नर जनरल का पद था उसे समाप्त कर दिया था। तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहा है, और भारत का प्रथम वायसराय पूछा जाए तब भी आप लॉर्ड कैनिंग लगाएंगे। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न नंबर 8 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? ऑप्शन सरोजनी नायडू, भीखाजी कामा, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका जो सही आंसर है वो है एनी बेसेंट, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट है।
प्रश्न नंबर 9 देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? जो सत्याग्रह क्रियाविधि थी, सत्याग्रह का प्रयोग, ऐसे समझ लीजिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया? ऑप्शन है दांडी, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहले चंपारण में 1917 में, आपको पता होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 32 में है ये, ठीक है। ये एक मौलिक अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 11 है, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ये बहुत आता है प्रश्न, रट लीजिए इसे। तो ये 11 का डी है, कानूनी अधिकार है, वैधानिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय के अंतराल की अनुमति है? यानी जो अधिवेशन होते हैं संसद में, जो विधानसभा सत्र चलते हैं या संसद सत्र चलते हैं, उनमें कितने समय का अंतराल हो सकता है, कितने समय का गैप हो सकता है? 4 माह, 6 माह, 8 माह, 9 माह। तो इस 12वें प्रश्न का सही आंसर है, देखिए याद कर लीजिए, 6 माह। 6 माह से अधिक का गैप दो सत्रों के बीच में नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 13 देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? अर्थात किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए भी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। दोनों के लिए जो नॉर्म्स हैं वो एक जैसे हैं, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए या देखिए या राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी एजेंसी है? भारतीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद। तो इसका जो सही आंसर है वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे शॉर्ट में CSO कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय सांख्यिकी संगठन नहीं है, इसे ध्यान रखना है आपको। प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया? रोलिंग प्लान, ठीक है, इसको कहते हैं रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान की जो अवधारणा का समर्थन जब पंचवर्षीय योजनाओं में किया गया था वो थे, आप देखिए, ऑप्शन है पाले सैमुअलसन, गुन्नार मिर्डल, एच लिंचस्टेन और जेके मेहता। तो इसका जो सही आंसर है वो गुन्नार मिर्डल है, ठीक है, रट लीजिए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस वर्ष के लिए। प्रश्न नंबर 16 देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बोयोमा स्टैनली एंजेल नियाग्रा? तो आपको पता होगा एंजेल जलप्रपात जो कि वेनेजुला में है, वेनेजुला यानी कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है ये, आपको शायद पता होगा अगर आप ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने तो। एंजेल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो वेनेजुला में है और वेनेजुला दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्रे दिए हैं, एक तरफ स्टेट्स दिए हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। पहला है देखिए जोजिला दर्रा, जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है। देखिए सिपकीला दर्रा, देखिए सिपकीला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। तीसरा जलेपला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तुजू दर्रा मणिपुर, देखिए तुजू दर्रा मणिपुर सही है, लेकिन जो जलेपला दर्रा अरुणाचल प्रदेश दिया है वो गलत है। देखिए जलेपला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक कितना, देखिए कितना पाठ्यांक होने पर
सॉरी कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फॉरेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फॉरेनहाइट कितने सेंटीग्रेड पर या कितने डिग्री पर बराबर होगा, तो वो पूछ रहा है आपसे। तो -40 डिग्री 212 डिग्री, 40 डिग्री 100 डिग्री, तो इसका जो सही आंसर है वो 40 डिग्री माइनस, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, -40 डिग्री पर, ठीक है, इसको रट लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बैरल में कितने लीटर होते हैं। जो क्रूड ऑयल आता है, कच्चा ऑयल आता है, किसी भी देश में आयात निर्यात होता है, वो हमेशा बैरल में होता है। तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, ऑप्शन है 159, 169, 149, 109। सही आंसर है 159, 159 लीटर एक बैरल में होता है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में देखिए किसे 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीलमणि फुकन, दामोदर मौजो, प्रतिभा राय, सुरंजन दास। इसका जो सही आंसर है वो है दामोदर मौजो। दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 21 देखिए प्रश्न है कि हाल ही में किसे 49वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है हाल ही में 49वां। UU ललित, NB रमन्ना, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई। तो इसका जो सही आंसर है वो है UU ललित, ठीक है, आप ध्यान रखिए UU ललित को अभी 49वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। या वर्तमान में भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो है UU ललित। प्रश्न नंबर 22 देखिए, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक HDI में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। मानव विकास सूचकांक HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 118, 132, 112, 130। तो इसका जो सही आंसर है वो 132 है। भारत को अभी जो है HDI 2022 जो जारी हुई है उसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 132वां। प्रश्न नंबर 23 देखिए, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। हृदय, तिल्ली, यकृत, अस्थि मज्जा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कभी कभी हम गलत लगा देते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो RCB पूछ रहा है, आर, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहा है, तो RBC, तो अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, ठीक है, सर्वग्राही है, AB O AB, तो सर्वग्राही आपको पता होगा, AB सर्वग्राही है, O जो है सर्वदाता है, जो O ग्रुप होता है वो सर्वदाता, और AB जो है सर्वग्राही है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून, 15 जून, 10 अक्टूबर, 8 मार्च। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर देखिए 26, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जिनेवा, बेना, हेग, लंदन। तो इसका जो कार्यालय स्थित है वो है जिनेवा में, ठीक है, WTO विश्व व्यापार संगठन का जो कार्यालय है वो जिनेवा में स्थित है, ठीक। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूछा जाए, एक बात बहुत पूछी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ का कार्यालय कहाँ स्थित है, तो आप हेग लगाएंगे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। प्रश्न नंबर 27, भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन है रावी, ब्यास, झेलम, सतलज। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको शायद पता होगा, सतलज। सतलज नदी पर कौन सी परियोजना पूछ रहा है, भांगड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पर स्थित है आपको। प्रश्न नंबर 28, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। जो प्रश्न दिया है उसके अनुसार पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से, अरब सागर की मानसूनी शाखा से, लौटते मानसून से। तो इसका जो सही आंसर है वो है पश्चिमी विक्षोभ से। तो जो अगर उत्तरी मैदानों में या उत्तरी भारत में जो शीतकाल में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। प्रश्न नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। कौन, दो तरीके की राशियाँ होती हैं, एक होती है अदिश राशि और दूसरी सदिश राशि, ठीक है। और अदिश राशियां भी होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जबकि सदिश राशियों को दिशा प्लस परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखिए। इन्हें इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं और इन्हें वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं, ठीक। अब इसमें पूछ रहा है कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, ठीक है, कौन सी एक सदिश राशि नहीं है।
तो इसका जो सही आंसर है संवेग, संवेग देखिए मोमेंटम पी से व्यक्त करते हैं, एक सदिश राशि है, जो सदिश राशि होती है उसके ऊपर एक इस तरीके से एरो बना देते हैं, ठीक है। वेग, वेग होता है इस तरीके से बी फोर वेलोसिटी, एक सदिश राशि है, कोणीय वेग ओमेगा, ठीक है, ये भी एक सदिश राशि है। द्रव्यमान जो होता है मास कहते हैं जिसे, ये एक अदिश राशि है, तो आपको यही बताना था अदिश राशि है। देखिए वेग एक सदिश राशि है, मैं यहाँ पर और बता दूँ इस तरीके से, जो वेग है वेग फॉर वेलोसिटी ये एक सदिश राशि है, और इस प्रकार से जो चाल होती है हमारी, ठीक है, अगर चाल को बताएं तो वो एक अदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट और ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ऑप्शन है संवेग संरक्षण, सहित संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण। तो जो रॉकेट की कार्य प्रणाली है वो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए प्रतिदिन शाम 8 बजे अभ्यास के लिए और रिविजन के लिए ये हमारी एक अद्भुत सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।